इंडिया का मैप ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन वो आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक आपको नहीं पता है। वो ही जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर वीडियो को स्किप करते हो तो आपको मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा किस तरह से इंडिया का मैप को ड्रॉ किया जाता है पूरे ट्रिक के साथ। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज कुछ नया सीख लेते हैं। इंडिया का मैप ड्रॉ करने का कुछ अलग ही कुछ ट्रिक होता है, वो आपको नहीं मालूम लेकिन मुझे पता है, मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं धीरे धीरे वीडियो को दिखा रहा हूँ, देखते रहिए एंड तक। सो बिना स्किप किए पहले आपको लगभग देख लेना है पेपर पर आ रहा है कि नहीं। 20 सेमी ये कुछ इस तरह का, मतलब जितना बड़ा करना चाहते हो आप उतना बड़ा ही चारों तरफ एक पूरा स्क्वायर एक बना लीजिए। मैं जैसे कि देख सकते हो बना लिया, बना रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो मैं कंप्लीट करने इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ साइड में, इस फोन में देख सकते हो एक इंडिया का मैप दिख रहा है। इस मैप को हमें ड्रॉ करना है। ओके, ये वाला मैप को आपको ड्रॉ करना है। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इस बॉक्स को, ये जो पूरा बॉक्स है इसको चार हिस्से में डिवाइड करना है। वो कैसे, कौन सी रेसिपी पे वो आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसे थ्री एक पार्ट को, मतलब एक साइड में जो भी है एक को, एक लाइन को आपको थ्री हिस्सों में बांट लेना है। जैसे कि एक, ये दो हो गया, और ऊपर मतलब ये तीन हिस्सों में बांट लेना है। वो थ्री हिस्सों के आपको नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो लाइन है एक या दो, ये नीचे वाला जो लाइन है उस लाइन को आपको नहीं करना है, आपको ऊपर वाला जो लाइन है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है, पूरा इस पार से उस पर आपको कर देना है। सो उससे थोड़ा नीचे, ओके, थ्री हिस्सों में ड्रॉ करने के बाद इस तरह का एक लाइन कर देना है। सो इसी तरह आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो लाइन है उसमें भी तीन हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इस तरह एक लाइन कर देना है। देख सकते हो इस तरह का हमारा रिजल्ट आया, इधर में बड़ा एक बॉक्स और ऊपर में। सो इसी बात आपको करना है, और उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर वाला जो लाइन है उधर से आपको, ये जो ऊपर वाला कश्मीर का हिस्सा है उधर से आपको स्टार्ट करने हैं, और जैसा जैसा है देखते देखते नीचे की तरफ आइए, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद देख सकते हो इधर तक और सबको कर ही सकते हो। सो इसके बाद आपको इस तरह का एक आएगा, इस तरह का करने के बाद रहने दीजिए, उसके बाद इस तरफ कर दीजिए, देख सकते हो मैं किस तरफ कर रहा हूँ। और इसके बाद जब इधर तक आया एक थोड़ा सा उठे हुए लिख रहा है, सो उसके सीधा आपको इस तरह का नीचे की तरफ रहना है, ब्लैक, वो जो ब्लैक लाइन करके मैं दिखा रहा हूँ था वो वाला, और फिर ये नीचे वाला गुजरात की तरफ को इस तरह का कर दिया। वो तो आप आसानी से कर सकते हो, ये जो लाइन दिखा रहा था ना वो इस तरह का एक लाइन उस तरह उधर तक ही रहना चाहिए। उसके बाद ये पूरा नीचे की तरफ लेके आ जाइए, और ये जो तीसरा वाला जो लाइन था, मतलब दूसरा वाला ऊपर से, सो उसकी थोड़ा सा पार करेगा इस तरह का रहना चाहिए। ओके, सो यही कुछ स्टेप को आपको नाप नाप कर देखना है, जो लाइन सीधा आ रहा है सो उसके इस तरफ आ रहा है या नहीं, सो यही कुछ देखना है, और बस आप इजीली कर सकते हो। सो ये क्या हुआ, ग्रेड मेथड की तरफ ड्राइंग अगर आप करते हो तो आपको पता होगा ग्रेड मेथड क्या है। सो इसी तरह का एक चार हिस्सों में डिवाइड होने के आपको आसानी मिल जाता है। सो यही ट्रिक है, आप इस ट्रिक के साथ आप आसानी से कर सकते हो, मेरा मानना है ये, मैं तो इससे बहुत ही आसानी से करता हूँ। आप एक बार से नहीं होगा तो बार बार प्रोसेस कीजिए, ज़रूर हो जाएगा, और आसानी से इस ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप ज़रूर कर पाओगे। सो ये ग्रेड मेथड की जरा ही ट्रिक है, और जस्ट कुछ स्टेप को देखने लगा है, ये सीधा आ रहा है नहीं, ये सीधा आ रहा है नहीं, यही कुछ देखने लगा है बस आपको। और ये नीचे की तरफ श्रीलंका भी कर सकते हो इस तरह का, और यही कुछ देखने के बाद आप आसान तरीके के साथ आप कर सकते हो। सो उम्मीद है वीडियो से आप कुछ भी सीख मिले होगे तो। सो यही कुछ बताना था, कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। सो जाते जाते और एक मेरिया मैजिक ट्रिक भी देख के जाइए, और ये रवि क्यूब्स, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसे किस तरह के सॉल्व करना है वो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और एक गिवअवे भी चल रहा है, गिवअवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए, चैनल पर जाके देखिए मिल जाएगा आपको सारी कुछ डिटेल्स। तो यही बस करना देना था, मैं मिलते हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा फ्रेंड्स और गुड बाय।